हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टॉपलिंग। तो टॉपलिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझने का है कि पलट जाना। सिंपल सा चीज है, टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया टॉपलिंग। ठीक है, नेट टॉर्क जो है जीरो नहीं होगा, क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, कैसे समझना है ध्यान से। ये इसका एफबीडी हम लोग बना रहे हैं, ये एफ है, ये नीचे क्या हो गया एमजी हो गया, ठीक है ना। ऊपर क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से जाएगा, नॉर्मल के लिए इतना जगह है, तो नॉर्मल जो है लगेगा ऊपर ही, लेकिन इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, या फिर इधर भी लग सकता है। तो पॉइंट है नॉर्मल हैज अ वाइड रेंज ऑफ पॉइंट्स वेयर इट कैन एक्ट, अरे जन में, एंड इट एक्ट्स at that point where a point normal acts on center of mass, ये गलत है, ये गलत है, समझ में आ रहा है। wide range of points where it can act and it acts at that point where, जहां पे टॉर्क जो है हम लोग जीरो कर सके, ये अपना लेवल बेस्ट ट्राई करता है। अरे समझ में, ऐसा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पे एफ है, अगर नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो फोर्स जो ये एफ तो टॉपल कर देगा ना इसको, क्योंकि टॉर्क आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के बाद, देखो आ गया ना टॉर्क एफ का, इसीलिए ये mg तो इधर है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन भी इधर होगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, f के कारण केवल यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा हो, लेकिन m जो है इधर से लगने लगेगा, ताकि अब देखिए ध्यान से, हाँ n इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टॉपल नहीं करने के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, ये अगर है हाइट h और ये हो गया ब्रेथ b, n इंटू बी बाई टू विल बी इक्वल टू एफ इंटू एच बाई टू, अरे समझ में, सेंटर मास के अबाउट निकालिए टॉर्क, f का हो जाएगा f इंटू एच बाई टू और इसका हो जाएगा n इंटू बी बाई टू, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अरे समझ में, ऐसा होगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि n जो है यहां पे भी कर सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, क्लियर है क्या, कहीं पे भी n कर सकता है एक्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऐसा है, तो f इज इक्वल टू f, ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा चीज है, देखिए ध्यान से। सपोज अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट ए हाइट बी, ठीक है, अबव द बेस ए ऑफ द ब्लॉक के ऊपर, फर्दर सपोज द फ्रिक्शन एफ इज सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, ये एफ जो है सफिशियंट है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, तो हम एफ इक्वल टू एफ तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये दोनों कपल हो गया ना, और इस कपल का वैल्यू हो गया f इंटू बी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
कि इन दिस केस द नॉर्मल रिएक्शन एन ऑल्सो पासिस थ्रू सी, अगर ये भी सी के थ्रू पास करने लगे तब तो काम खत्म है भैया, तब तो टॉपल हो जाएगा। Then despite the fact that the block is in translation equilibrium, an unbalanced torque will be there. The torque has a tendency to topple the block about the point D. To cancel the effect of this unbalanced torque, the normal reaction N is shifted towards right at a distance A, such that the net anti-clockwise torque is equal to the net clockwise torque. Kya ho raha hai? Normal reaction N is shifted towards right with a distance A. ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है? लेट अस से ये ए डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं एन ए शुड बी इक्वल टू एफ बी, और ये एन जो था इक्वल टू एम जी था, क्योंकि इधर सिग्मा एफ वाई भी जीरो होना है ना, ए इज इक्वल टू एफ बी बटे एम जी। Yes or no? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो पॉइंट है कि भैया नॉर्मल रिएक्शन जो है चेंज हो रहा है, अलग अलग जगह जा सकते। Now if F or B is both is increased, distance A also increases, but it can go beyond the, it cannot go beyond the right edge. अब ये नॉर्मल जो इससे आगे इधर नहीं आ सकते। So in extreme case beyond the which the block will topple down, the normal reaction passes through E. Extreme case. Now if F or B is further increased, अब लेकिन अगर F increase किया गया तब फिर टाटा बाय बाय, the block will topple down. This is why the block having the broader base has less chances of toppling in comparison to the blocks of smaller base. So the block of larger base has more margin for the normal reaction to shift. On the similar ground we can see why the rolling is so easy. Rolling बहुत easy होता है, क्योंकि बेचारा normal को हमेशा center of masses से जाना पड़ेगा। But in this case, the normal reaction has zero margin to shift. So even if the body is in translation equilibrium, an unbalanced torque is left behind and the body starts toppling, and here the toppling means motion. In an ideal condition, the body will start moving by a very small force F tending to zero. Thoda sa bhi force rahega na, ghumne ghum jayega. 12.32. Kiya jaye. Uniform cube of side A, mass M. Ye kya hai? Uniform cube hai. साइड है ए इसका, एक एक साइड ए है, मास है, वैसे क्यूब का जो लग नहीं रहा लेकिन मानिए क्यूब ही है। रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेसेस, क्या है हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, ये एफ जो है अप्लाइड हो रहा है, क्लियर है क्या? एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द फेस एट ए हाइट 3a/4 अबव द बेस। What is the minimum value of F for which the cube begins to tip about an edge? Clear है? अब देखिए ध्यान से, F हो गया ये friction हो गया इधर, दोनों जो है equal हो गया, clear है क्या? F is equal to F, translation equilibrium, कोई दिक्कत? मेरा normal तो maximum यही तक shift हो सकता है ना, तो N जो हो गया which is mg into a by 2 should be equal to F into 3a/4, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, F जो है 2/3 mg हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा तो काम खत्म, क्लियर है क्या? यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ हाइट h, सिलेंडर है का हाइट क्या है h, रेडियस r, इज प्लेस विथ इट्स सर्कुलर फेस ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, an inclination of the plane to the horizontal is gradually increased. Mu is the coefficient of friction, then under what condition the cylinder will slide before toppling and topple before sliding? Interesting. Slide before toppling and topple before sliding. So ye slide kar gaya lekin topple nahi kiya, ठीक है? अच्छा, तो जब ये स्लाइड किया तो देखिए ध्यान से, ये एफ इधर हो गया, ये हो गया एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, ये हो गया एन, तो जब स्लाइड कर रहा है तो एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन एफ हो गया, क्लियर है क्या?
अब ये f जो है f स्लाइडिंग हो रहा है, f हो जाएगा इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, n हो गया एम जी कॉस थीटा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। अच्छा तो एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, कट गया कट गया, क्या हो जाएगा टैन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, ठीक है, टैन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, ठीक है। लेकिन अभी तक टॉपलिंग नहीं हुआ है, टॉपलिंग नहीं हुआ है, तो एन अब क्या है, रेडियस आर है, हाइट एच है, तो एन जो है एन आपका आर बाय टू, आर आर तक ही है एन, एन इंटू आर, ठीक है ना, मैक्सिमम एन यहीं तक आ जाता है ना, एन इंटू आर विल बी ग्रेटर देन एफ इंटू क्या है, हाइट एच है ना, एच बाय टू, एन क्या था, एफ क्या था, क्लियर है क्या, ये कट गया ये कट गया, आर शुड बी ग्रेटर देन म्यू एच बाय टू, फिर म्यू इज लेस देन टू आर बाय एच, क्लियर है क्या, दोनों कंडीशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, अच्छा टॉपल बिफोर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एन इंटू आर विल बी लेस देन एफ इंटू एच बाय टू, n should be less than f h by 2 r, कोई दिक्कत, और f जो है क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो f is equal to mg sin theta, क्लियर है क्या, n जो है वो हो गया mg cos theta, तो क्या हो जाएगा n था mg cos theta less than mg sin theta into एच बाय टू आर, एम जी एम जी कट गया, ठीक है, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू लेस देन या टू आर शुड बी लेस देन एच इंटू टेन थीटा, क्लियर है क्या, म्यू इज ग्रेटर देन टू आर बाय एच, ठीक है, टू आर इज लेस देन एच टेन थीटा, क्लियर है क्या, और एफ जो है एफ होना चाहिए लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी कट गया, टेन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू, 2R should be less than equal to H mu.
यही है, टू आर बाय एच लेस देन म्यू, यस और नो? बेटर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? खत्म टॉपलिंग. विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.